सत श्री अकाल जी, कैसे आप लोग। चलिए आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी वाले गुड़ और गाजर के मीठे चावल, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स के साथ, जिन्हें खाकर आपको सच में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं एक गिलास चावल से बना रही हूँ। जिस गिलास से मैंने चावल नापा है, आप कोई भी कप गिलास जो भी लें चावल का, उसी से आपको पानी नापना है। और चावल आप कौन से यूज कर रहे हैं वो आपको पता है कि आपके जो चावल यूज करते हैं उसमें आप कितना पानी डालते हैं, डबल या डेढ़, जैसे भी आपका मेजरमेंट हो उस चावल के हिसाब से आप पानी डालें। मेरे चावल में मैं डबल पानी डालती हूँ, तो मैं उसी सेम गिलास से इसमें 2 गिलास पानी और प्लस आधा गिलास पानी एक्स्ट्रा डालूंगी। ये मैंने डाल दिया इसमें 2.5 गिलास पानी, और ये लगभग 250 ग्राम गुड़ लिया है मैंने एक गिलास चावल के लिए। गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा सा गुड़ पे भी डिपेंड करती है कि कोई कोई गुड़ बहुत मीठा होता है, कुछ गुड़ में कम मिठास होती है, तो वो बाद में हम चेक करके और भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे बाद में गुड़, वो मैं आपको बताऊंगी अगर कम लगेगा हमें तो। और ये 250 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाली हूँ ये बड़े 2 चम्मच सौंफ के, मोटी वाली सौंफ है ये, और 4 डाली हूँ मैं ये लौंग। 1 चुटकी डालेंगे हम इसमें नमक, नमक इसके टेस्ट को बैलेंस करता है मीठे को। और इस पानी को हम चढ़ाएंगे आंच पर और इसको कम से कम 10 से 12-15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, जिससे सारे फ्लेवर्स पानी के अंदर आ जाएंगे और गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो है वो 1/2 गिलास पानी इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि हमें इसे 10 से 12 मिनट पकाना है, तो उसमें कुछ पानी जो है वो हमारा भाप बन के उड़ भी जाएगा, तो इसलिए थोड़ा पानी ज्यादा लिया है। वैसे भी मीठे चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी जो है हमें ज्यादा चाहिए होता है चावल को पकाने के लिए। अब इसको एक उबाल आने के बाद मैं कर दूंगी आंच धीमी और इसको मैं 12 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए चावल पानी हमारा काफी अच्छे से पक गया है। अब इसे मैं कर रही हूँ बंद। मुझे इसे लगभग 12 से 13 मिनट मैंने इसे पकाया है और अब हम करेंगे आगे का काम। अब हमने वो बर्तन गर्म कर लिया है जिसमें हमें चावल बनाने हैं। पहले उसमें हम डालेंगे 1 कड़छी के आसपास मैंने इसमें घी भर के डाल दिया है। और इस घी में अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 गिलास चावल के लिए मैंने ये छोटी वाली लगभग 6 गाजर ले ली थी। आजकल गाजर बहुत अच्छी वाली आ ही रही है मार्केट में, मीठी वाली लाल गाजर लीजिए। और उसको हमने कर लिया ग्रेट और अब इस घी में मैं ये गाजर भूनूंगी। दो 3 मिनट तक हम ये गाजर को इसमें पकाएंगे, तो गाजर का थोड़ा सा कच्चापन दूर कर लेंगे। और ये भी एक हमारी बिल्कुल दादी नानी के टाइम की गांव में बनने वाली देसी रेसिपी है। और चीजें देखिए हम इसमें जितनी भी डाल रहे हैं सब हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी फायदेमंद चीजें हैं, और टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब ये गाजर को हमने 3-4 मिनट भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ 1 छन्नी, और ये जो पानी हमने पकाया था गुड़ के साथ वो सारा पानी इसमें हम डाल इस तरह से छान लेंगे, गर्मा गर्म पूरा पानी इसके अंदर डाल देंगे। और ये सौंफ लौंग सब बाहर निकल आया, इसका जूस तो हम ले ही चुके हैं पूरा, इनका जो असर है वो पानी के अंदर आ चुका है। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए ये हैं छुआरे, ड्राई डेट्स इसे हम बोलते हैं। ये छुआरे मैंने 6-7 छुआरे लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। इसी के साथ पकेंगे चावल के साथ साथ, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें ये चावल, 1 गिलास चावल जो मैंने लिया था उसे मैंने अच्छे से धो लिया है, और वो चावल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमारा गर्म ही है और ये झट से उबल जाएंगे। अभी अब देखें हमने सब कुछ डाल दिया, चावल भी ऐड कर दिए हैं, बस ये खोलने ही वाला है पानी।
अब हमें इसका मीठा चेक करना है, वो बहुत जरूरी है चेक करना, क्योंकि मीठे चावल बना रहे हैं, मीठा अगर कम रह गया तो उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आपको इसे चखना पड़ेगा। मैं इसमें से ये पानी निकाल के इसे अभी चख के देखती हूँ कि मीठा कैसा है। मेरे यहाँ ये मीठा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे ये चखने में मीठा तेज लगा है। आपको ये जब आप इसको चखेंगे तो मीठा आपको तेज लगना चाहिए। अगर लग रहा है कि हाँ काफी अच्छा मीठा है, तो बनने के बाद ये मीठा जो बिल्कुल अपना बढ़िया सा हो जाएगा। और अगर आपको अभी चखने में ये फीका लग रहा है, हल्का कम लग रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, गुड़ को बारीक कूट लीजिए थोड़ा सा और इसमें मिला दीजिए, वो गर्म पानी में अपने आप मेल्ट हो जाएगा। बस उसके बाद आप अच्छे से 2-3 बार हिलाइएगा जरूर, ताकि गुड़ सब जगह एक साथ समान वो फैल जाए। तो मेरे तो ये मीठा मुझे ठीक लग रहा है, तो अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। और एक बात और, अगर आपको चावल पकाने के बाद, जैसे हम चावल पकने वाले हो जाएंगे हमारे, अगर लगे कि पानी कम है, चावल अभी थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि मीठे चावल बनाते हुए थोड़ा सा पानी आपको ज्यादा डालना पड़ता है, लेकिन पहले से आप बहुत ज्यादा मत डालिए, जितना मैंने बताया उसी हिसाब से डालिए। अगर जरूरत लगे तो आप हल्का सा गर्म पानी उसमें डाल सकते हैं, मिक्स कर दीजिए, उससे ढक के दम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में भी अगर हल्का सा हमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो अब इसे जैसे ही बॉयल आ जाएगा, ये खोलने लगा है। अब मैं कर रही हूँ आंच धीमी और इसको बीच में 1-2 बार चलाते हुए हम चावल को पकाएंगे। फ्लेम कर दी है मैंने बंद और ये एकदम बढ़िया से चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और खुशबू इतनी ऑसम आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपस में मिक्स होने के बाद, और कलर देखें कितना अच्छा आया है, गुड़ का और गाजर का जो दोनों का मिल के कलर आया है चावल पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है ना इसको देखते ही खाने का, तो बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसमें सारी चीजें वही हैं जो लगभग घर में अवेलेबल होंगी आपके पास। और बताइएगा मुझे खाके फिर आपको कैसे लगी मेरी ये रेसिपी, और रेसिपी पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये खाने में कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।